रेस्टोरेंट में मेरे अलावा 6-7 ग्राहक ही बैठे थे। इनमें एक बंगाली फैमिली भी थी, एक पुख्ता उम्र की बंगाली औरत थी और उसकी उम्र का एक आदमी जो उसका खावत लगता था उसके सामने बैठा था। दोनों खामोशी से कॉफी पी रहे थे। औरत ने एक दो बार मेरी तरफ देखा, फिर उसने अपने खावत से कोई बात की। उसके बाद उसके खावत ने भी मुझे नजर भर कर देखा। ये लोग मुझे किसी तरह भी खुफिया पुलिस के आदमी नहीं लग रहे थे। मैं समझ गया कि ये मेरे जोगी ज्योतिषियों वाले हुलिये की वजह से मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं सिगरेट सुलगा रहा था कि उधेड़ उम्र का बंगाली उठकर मेरे पास आया और बड़ी आजिजी से और अदब के साथ हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसने बंगला जबान में कुछ कहा जिससे यही मानी अखज कर सका कि वो अपनी मेज पर आने की दावत दे रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कलकत्ते की उर्दू जबान में कहा कि मैं बंगला जबान नहीं जानता। उस बंगाली ने आजिजी के साथ बंगला उर्दू में कहा, मेरी और मेरी बीवी की जबरदस्त ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ बैठकर कॉफी पिएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे वहाँ कुछ वक्त गुजारना था और ये बेजरर किस्म के लोग थे। मैं उठकर उनकी मेज पर जा बैठा। बंगाली ने अपनी बीवी का तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम पंकज कुमार है, ये मेरी धर्मपत्नी सरोजनी कुमार है, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, हमारा मकान धर्मचाली में है। वो अपनी उधेड़ उम्र बंगाली बीवी की तरफ भी देख लेता। उसकी बीवी बड़ी अकीदत के साथ मुझे देख रही थी। मैंने उनसे पूछा, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आपने मुझे किसी और आदमी के शुबे में अपने पास बुला लिया है? पंकज कुमार ने कहा, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, बात यह है कि आपकी सूरत में हमें भगवान की सूरत नजर आई है। मेरी पत्नी ने कहा कि उस ऋषि जी को बुलाओ, हम ऋषि जी के दर्शन करेंगे। बस मैंने गुस्ताखी करके आपको बुला लिया, अगर आपको बुरा लगा तो हमें क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा, नहीं पंकज बाबू ऐसी बात नहीं, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई है। इतना मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये अपने किसी घरेलू मसले के बारे में पूछना चाहते हैं। भारत में ये वबा बड़ी आम है, जहाँ किसी मोहल्ले या होटल में कोई मेरे जैसे हुलिये वाला आदमी नजर पड़े, लोग फौरन उसे अपने घरेलू मसले बयान करना शुरू कर देते हैं। औरतें तो खास तौर पर इस मामले में इंतहाई ज़ईफ़ुल एतक़ाद हैं। मुझे इन लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं सिर्फ दिन के 4 बजाना चाहता था। मैंने महसूस किया कि बंगाली औरत अपने खामत को इशारों इशारों में मुझसे कुछ पूछने के लिए कह रही है। मैं बज़ाहिर बेनियाजी से बैठा सिगरेट पीता रहा। उन्होंने मेरे लिए मजीद कॉफी और रसगुल्ले मंगवा लिए। आखिर पंकज बाबू से रहा न गया। उसने बड़ी झिझक के साथ कहा, महाराज आप शक्ल से महान ऋषि लगते हैं, आपको ज्योतिष का ज्ञान भी जरूर होगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था, इनका कोई घरेलू मसला था जिसकी वजह से वो परेशान थे और मुझसे इल्म ज्योतिष के जरिए इसका हल पूछना चाहते थे। मैंने उनका दिल रखने के लिए कहा, ज्योतिष का पूरा ज्ञान तो नहीं है मगर कुछ कुछ जरूर जानता हूँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? बंगाली पंकज बाबू की बीवी खामोश थी और उसका काम मुझे अकीदत भरी नजरों से देखना था। पंकज बाबू ने मेरी प्याली में कॉफी बनाते हुए बड़ी संजीदगी और धीमी आवाज में कहा, महाराज हमारी एक बेटी है, ओमा कुमारी उसका नाम है, उसने बॉटनी में BSc किया हुआ है, वो कॉलेज में लेक्चरर है। वो चुप हो गया तो मैंने पूछा, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? पंकज बाबू रसगुल्लों की प्लेट मेरे आगे खिसकाते हुए बोले, महाराज प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकलौती बेटी ओमा कुमारी को पिछले 1 माह से एक बीमारी लग गई है। उसको आधे सर के दर्द का दौरा पड़ता है और वो 2-2 दिन तक नहीं जाता और वो बेहोश पड़ी रहती है। हमने कलकत्ते के सारे डॉक्टरों को दिखाया है मगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। रात भी उसे दौरा पड़ा था और वो रात से बेहोश पड़ी है। 3 डॉक्टर आकर उसे इंजेक्शन लगा चुके हैं मगर ओमा बेटी को होश नहीं आया। एक बार होश आया भी तो सर दर्द की शिद्दत से वो चीखने लगी और फिर बेहोश हो गई। हम यहाँ मेडिकल स्टोर से उसके लिए दवाई लेने आए थे, स्टोर बंद था इसलिए यहाँ कॉफी पीने बैठ गए। आपको देखा तो मेरी पत्नी ने कहा कि ये ऋषि बड़े महान लगते हैं, इनसे बेटी का इलाज पूछो। बस महाराज यही हमारी प्रॉब्लम है, आप ज्योतिष के ज्ञान से पता करें कि हमारी बेटी की बीमारी कब दूर होगी, हमें उसकी शादी भी करनी है, हम बहुत परेशान हैं। गमजदा बंगाली बाप की आंखों में आंसू आ गए। मैंने देखा कि उसकी पत्नी सरोजनी कुमार की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। मुझे ज्योतिष वगैरह का खाक भी इल्म नहीं था, मैं महज वक्त गुजारना चाहता था। अलबत्ता दिल में अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी कि पाक परवरदिगार इस गमजदा माँ बाप की बच्ची को सेहतयाब कर दे। मैंने यूं ही कह दिया, ये तो लड़की का हाथ देखकर ही कुछ कहा जा सकता है। मेरा ख्याल था कि अभी दिन के 9:30 बजे वक्त है, बाकी का वक्त इन लोगों के घर में बैठकर गुजार दूंगा। इस तरह से लोगों की निगाहों में भी नहीं आऊंगा और इनके मकान भी धर्मचाली की कॉलोनी में था जहाँ से मेरा टारगेट यानी दुर्गा दास का दफ्तर करीब ही था। मैं वहाँ से 3:30 बजे के करीब उठकर फौजी फाउंडेशन के बस स्टॉप पर जाकर सूबेदार दुर्गा दास की वापसी का इंतजार कर सकता था और उसे अच्छी तरह से देख भी सकता था। अगरचे मैंने उसी रोज उसे हलाक करने का प्रोग्राम नहीं बनाया था मगर जहरीली बॉल पॉइंट पेंसिल मेरी जैकेट की जेब में मौजूद थी और मैंने सोच रखा था कि अगर ये शख्स कश्मीरी मुसलमानों का कातिल सूबेदार दुर्गा दास ही निकला और मुझे मौका भी मिल गया तो मैं आज ही इसका काम तमाम कर दूंगा। पंकज बाबू ने खुश होकर हाथ जोड़ दिए और बोला, महाराज हमारे धन भाग के आप हमारे घर चलकर बच्ची का हाथ देख लें। उसने अपनी बीवी से कहा, सरोजनी तुम जाकर दवाई ले आओ, मेडिकल स्टोर खुल गया होगा। उसकी बीवी भी मेरे जवाब से बड़ी खुश हुई थी।
फौरन उठी और रेस्तरां से निकल गई। उसके जाने के बाद पंकज बाबू मुझसे अपनी बीमार बेटी उमा कुमारी के बारे में बातें करने लगे। मुझे उसकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी बेटी की सेहत याबी जरूर चाहता था और उसके लिए मैंने खुदा के हुजूर बड़े सच्चे दिल के साथ दुआ की थी। हकीकत यह है कि औलाद जिगर का टुकड़ा होती है। खुदा किसी को औलाद का दुख न दिखाए। औलाद खा सिख की हो, खा हिंदू की हो, खा किसी दूसरे मजहब के मानने वाले की हो, खुदा उसे अपने माँ बाप की आंखों के सामने सलामत रखे। थोड़ी देर में पंकज बाबू की बंगाली बीवी दवाई लेकर आ गई। हम रेस्तरां से निकल आए। मैंने गहरी निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे वहाँ कोई खतरे वाली बात नजर न आई। इतनी देर में पंकज बाबू ने एक खाली टैक्सी रुकवा ली थी। हम टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरती हुई धर्मचाली कॉलोनी में दाखिल हो गई। टैक्सी एक मंजिला मकान के आगे छोटी सी वीरान सड़क पर रुक गई। मकान के बरामदे पर खुपरेलों की ढलवान छत पड़ी थी। सामने छोटी सी जगह थी जहां केले और नारियल के दो चार दरख्त खड़े थे। मकान की दीवारें कलकत्ते की बारिशों और धूप की मार खा खा कर काली हो रही थीं। एक बूढ़े बंगाली नौकर ने जो बरामदे में बैठा नारियल पी रहा था जल्दी से उठकर बरामदे वाले कमरे का दरवाजा खोल दिया। हम अंदर दाखिल हुए। छोटा सा कमरा था। कोने में मसहरी वाला पलंग था। दीवारों पर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और दुर्गा देवी की फ्रेम की हुई तस्वीरें थीं। कार्निस पर फूलों का बासी गुलदस्ता पड़ा था। छत का पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। पलंग पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। पलंग के पास ही कुर्सी पर एक बूढ़ी बंगालन औरत चुपचाप बैठी हुई थी। मेरे लिए फौरन पलंग के पास कुर्सी डाल दी गई। पलंग की मसहरी या मच्छरदानी जो कुछ भी वो थी उठी हुई थी। एक तरफ खिड़की खुली हुई थी, आगे सफेद पर्दा हटा हुआ था। उसमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने लड़की को देखा। लड़की आम बंगाली लड़कियों की तरह दुबली पतली थी, मगर उसका रंग खिलता हुआ था। माथे पर बिंदिया लगी थी। उसके आधे जिस्म पर सफेद चादर थी। उसने हल्के कासनी रंग की साड़ी पहन रखी थी और ब्लाउज का रंग गहरा कासनी था। नाक नक्शा अच्छा था। आंखें बंद थी और चेहरे से जहानत टपकती थी। कुर्सी खींचकर उसका बाप भी मेरे पास ही बैठ गया। अपनी बेटी को देखते हुए गमसदा आवाज में कहने लगा, हे भगवान, मेरी बच्ची को अच्छा कर दे। उसकी बीवी जरा पीछे दूसरी चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी। मैंने दिल में अल्लाह ताला से माफी मांगते हुए कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मुझे इन लोगों से कोई लालच नहीं है। ये लोग इस ख्याल से मुझे यहाँ ले आए हैं कि मैं इनकी बेटी का इलाज कर दूंगा। मैं ना तो कोई डॉक्टर हूँ, ना मुझे ज्योतिष का इल्म आता है। मेरी ये दुआ जरूर है कि ए पाक परवरदिगार इसके गुनाह माफ कर दे और इसे अच्छा कर दे। इस दौरान लड़की के बाप ने चादर के नीचे से उसका हाथ निकाल कर आगे कर दिया और बोला, महाराज देखें, आपको भगवान ने बड़ा ज्ञान दिया है। भगवान के वास्ते मेरी बच्ची की रेखाएं देखकर इसकी बीमारी का कोई उपाय बता दें, मेरी बच्ची को अच्छा कर दें। इस गमजदा बंगाली बाप ने मुझे खामखा इम्तिहान में डाल दिया था। मैं लड़की की हथेली की लकीरें देख रहा था और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इन लकीरों का क्या मतलब निकल सकता है। बदनसीब माँ और बाप का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था, झूठ भी नहीं बोल सकता था। माजी के अहद में रोशन बुजुर्ग के सामने मैं अहद कर चुका था। जब मैं लड़की की हथेली की लकीरें देख रहा था तो मैंने कनखियों से देखा कि बेहोश लड़की का बाप उसकी माँ मेरी तरफ इंतहाई रहम तलब निगाहों से देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन हो कि मेरे पास उनकी बीमार बेटी का इलाज मौजूद है। मैंने हाथ की लकीरें देखकर कहा कि इसकी रेखाएं बता रही हैं कि ये जल्द अच्छी हो जाएगी, आप डॉक्टरों का इलाज जारी रखें। बच्ची के बाप और माँ के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उनको यकीन था कि मैं लड़की का हिंदू ज्योतिषियों की तरह उल्टी सीधी लकीरें डालकर जायचा बना दूंगा और फिर काफी देर की सोच विचार के बाद उन्हें लड़की का हाल और उसकी बीमारी का कोई इलाज बताऊंगा। मैंने दीवार पर लगे क्लॉक की तरफ देखा। अभी 4 बजने में बहुत वक्त था। मैं मजीद कुछ वक्त गुजारने के लिए उनसे लड़की की बीमारी के बारे में इधर उधर की बातें करता रहा, मगर मैंने देखा कि लड़की के माँ बाप के चेहरों पर छाई हुई अफसुर्दगी बढ़ती जा रही थी। इस दौरान लड़की की माँ ने 2-3 बार अपनी आंखों में आए हुए आंसू साड़ी के पल्लू से पोंछे। मेरे दिल पर उस औरत की गम नसीब ममता का बड़ा असर हुआ, मगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। बस दिल में दुआ करता रहा कि ऐ रब्बुल आलमीन, तू सब जहानों का पालने वाला है, तू बेशक व शुबा कादिर मुतलक है, इस बच्ची को शिफा अता कर दे। इस छोटे से कमरे में बड़ी गमनाक उदासी छाई हुई थी। लड़की का बाप हाथ जोड़े सर झुकाए बैठा था। लड़की का हाथ उसने मेरी तरफ से मायूस होकर चादर के अंदर कर दिया था। जरा पीछे लड़की की बंगाली माँ भी सर झुकाए सोगवार बैठी थी। बूढ़ी बंगालन जो गालिबन नौकरानी थी चटाई पर खामोश बैठी थी। कमरे की फजा में खामोशी के साथ ऐसी हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी जैसे सुबह के वक्त किसी ने कमरे में कनौज की तेज खुशबू वाली अगरबत्तियां सुलगाई हों। इन अगरबत्तियों की खुशबू अभी तक फजा में मौजूद थी। मैंने गहरा सांस लिया तो मुझे फजा में एक और खुशबू महसूस हुई। मेरी छठी हिस एकदम बेदार हो गई। मेरा ख्याल फौरन चंद्रिका की बदरूह की तरफ चला गया, लेकिन ये उसकी बू नहीं थी। उसकी बदरूह जब आती थी तो लुबान की बू आने लगती थी। मैं अब वहाँ से खिसकने का सोच रहा था। मैंने क्लॉक पर निगाह डाली, अभी दोपहर भी नहीं हुई थी। सोचा बाहर कहाँ सड़कों पर फिरूंगा, खामखा किसी खुफिया पुलिस वाले की निगाहों में ना आ जाऊं।
ये जगह टारगेट के करीब भी थी। बेहतर है कि कम से कम 3-3:30 बजे तक यहीं बैठा रहूं। यहाँ कम से कम किसी खुफिया पुलिस वाले का खतरा नहीं था, जगह बड़ी महफूज थी। थोड़ी देर बाद वहाँ खाना लगा दिया गया। पंकज बाबू के घर खाना वगैरह खाने और बातें करने में वक्त तेजी से गुजर गया। जब क्लॉक ने ठीक 3:30 बजाए तो मैं चलने के लिए उठा। पंकज बाबू कहने लगे, महाराज आप जब तक कलकत्ते में हैं हमारे यहाँ ही ठहरे, ये हमारे बड़े सौभाग्य होंगे। मैंने कहा, मैं अपने एक दोस्त के पास ठहरा हुआ हूँ, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं कभी कभी मौका निकाल कर आपके पास आ जाऊंगा, अभी मुझे एक जरूरी काम है। वो लोग मुझे छोड़ने मकान के बरामदे से भी बाहर तक आए। आखिर मैंने उन्हें नमस्कार किया और सड़क पर उस तरफ चलने लगा जहां से बड़ी सड़क फौजी फाउंडेशन की तरफ मुड़ जाती थी। कलकत्ते के अबर आलूद आसमान पर दिन की रोशनी कम होना शुरू हो गई थी। रास्ता मुझे याद नहीं रहा था। बड़ी सड़क पर आकर मुझे एक आदमी से फौजी फाउंडेशन का दफ्तर पूछना था। मैं बाएं जानिब एक सड़क पर मुड़ गया। वहां से दूर मुझे फौजी फाउंडेशन की इमारत नजर आने लगी। मैं फुटपाथ पर बड़े आराम से चल रहा था, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। दफातर में 4 बजे छुट्टी होती थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी 4:10 बाकी थे। एक बात मेरे हक में जाती थी कि कश्मीरी मुसलमानों का कातिल दुर्गादास मुझे शक्ल से नहीं पहचानता था, इसलिए मैं फौजी फाउंडेशन की इमारत के पास जो बस स्टॉप था उसके शेड के नीचे जाकर खाली बेंच पर बैठ गया। इस दौरान एक दो बसें आईं और मुसाफिरों को उतार कर 2-3 मुसाफिर लेकर आगे निकल गईं। इतने में फौजी फाउंडेशन के गेट से लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। दफातर में छुट्टी हो गई थी। मैं बेंच पर से उठकर शेड के कोने में ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां से मैं सूबेदार दुर्गादास को बस में दाखिल होते हुए आसानी से देख सकता था। आज मेरा ख्याल महज उसकी चेहरा शनासी का था, लेकिन मैंने ये भी सोच रखा था कि अगर मौका मिल गया तो उसका काम तमाम कर डालूंगा। इस मामले को दूसरे दिन पर नहीं उठाऊंगा। दफ्तर के लोग छुट्टी के बाद साइकिलों मोटरसाइकिलों वगैरह पर निकल कर अपने अपने घर जा रहे थे। कुछ क्लर्क टाइप के बाबू बस स्टॉप के शेड में आकर खड़े हो गए। मेरी निगाहें दुर्गादास को तलाश कर रही थी, वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया था। एक बस आई, मुसाफिर उसमें सवार हुए और वो चल दी। कुछ और लोग आकर स्टॉप पर खड़े हो गए। दूसरी बस आई और वो लोग भी बस में सवार हुए और बस चली गई। मैंने सोचा कि दुर्गादास शायद सबसे आखिर में दफ्तर से निकलता होगा। मैं शेड के बेंच पर बैठ गया। मेरी नजरें फाउंडेशन के गेट पर लगी हुई थी। मैंने एहतियातन जहरीली बॉल पॉइंट पेंसिल को अपने सीधे हाथ वाली जेब में रख लिया था ताकि अगर हमला करना पड़ जाए तो पेंसिल निकालने में आसानी हो। वक्त गुजरता जा रहा था, फाउंडेशन के गेट को बंद कर दिया गया। अब कोई कोई मुलाजिम छोटे गेट में से निकलता दिखाई दे जाता। मैं सोचने लगा कि दुर्गादास शायद आज दफ्तर नहीं आया, वरना अब तक उसे बाहर आ जाना चाहिए था। फिर सोचा कि उस पर मौत का खौफ सवार है, वो जरूर अंधेरा हो जाने के बाद दफ्तर से निकलता होगा। थोड़ी देर बाद शाम का अंधेरा छाने लगा। इस दौरान मैंने एक आदमी को देखा जो फौजी फाउंडेशन के गेट के करीब ही एक स्कूटर की पिछली सीट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मुझसे उसका फासला कोई 20-25 कदम का होगा। उसने कुर्ता पाजामा पहन रखा था, गले में खद्दर का थैला था। दूर से देखने पर वो ज्यादा उम्र का नहीं लगता था। मैं उसकी तरफ तवज्जो न देता, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं उसकी नजरों में हूँ। उसने 2-3 बार मुझे घूर कर देखा था। जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। आज दुर्गादास यकीनन दफ्तर नहीं आया होगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं उल्टा किसी मुसीबत में फंस जाऊँ। ये सोचकर मैं बेंच से उठने ही वाला था कि मैंने फाउंडेशन के छोटे गेट में से यक्के बाद दीगरे 4 आदमियों को निकलते देखा। 2 आदमी आगे आगे थे, उनके बीच एक दरमियाने कद काठ का गोल मटोल सा आदमी था, उसके पीछे एक और आदमी था। गेट से बाहर आते ही 2 आदमी दरमियान वाले आदमी के दाएं बाएं हो गए और 3रा आदमी दरमियान वाले आदमी के अकब में होकर चलने लगा। इन तीनों के अंदाज से मालूम होता था कि ये तीनों आदमी दरमियान वाले आदमी की हिफाजत पर मामूर हैं। मेरे खून की गर्दिश एकदम तेज हो गई। ये लोग सीधे बस स्टॉप की तरफ आ रहे थे। जब जरा करीब आए तो मैंने सूबेदार दुर्गादास को साफ पहचान लिया। उसकी मूछें अगरचे गायब थीं, मगर चेहरा बिल्कुल वही था जो मैंने उसकी तस्वीर में देखा था। वो अपने बॉडीगार्ड्स के दरमियान बड़ा मोहतात होकर दाएं बाएं देखता हुआ चला आ रहा था। मैं अपने आप को मुसाफिर जाहिर करते हुए बेंच के कोने में बैठा रहा। ये लोग शेड में आकर इस तरह खड़े हो गए कि तीनों बॉडीगार्ड्स ने दुर्गादास को घेरे में ले रखा था। इन मुहाफिजों के हाथों में कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था, लेकिन ये यकीनी बात थी कि इनकी जेबों में पिस्तौल जरूर थे। बस अभी तक नहीं आई थी। इतने में वो आदमी जो गेट के पास खड़े स्कूटर पर बैठा सिगरेट पी रहा था शेड में आ गया। वो बिल्कुल मेरे साथ बेंच पर आकर बैठ गया। फिर उसने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा और बंगला में कोई सवाल किया। मैं बंगला जबान नहीं बोल सकता था। मैंने उर्दू में कहा, मुझे बंगला नहीं आती। उसने उर्दू में पूछा, तुम कहाँ से आए हो? इसका मतलब था कि मैं किस शहर से आया हूँ। मैंने बड़ी बेनियाजी से कहा, अमृतसर से आया हूँ कलकत्ते की सैर करने। वो बोला, ये कोई सैर करने की जगह नहीं है, जहाँ तुम 1.5 घंटे से बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने जरा सख्त लहजे में पूछा, तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? हमारी गुफ्तगु सुनकर सूबेदार दुर्गादास और उसके बॉडीगार्ड्स भी हमारी तरफ देखने लगे। सूबेदार दुर्गादास को तो पहले ही अपने पीछे लगे हुए हुर्रियत परस्तों का खौफ रहता था। उसने मुझसे सख्ती से पंजाबी में कहा, तुम अमृतसर में कहाँ रहते हो, मुझे बताओ। मैं खुद अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैंने कहा, चौक प्राग दास में रहता हूँ।
और क्या पूछना चाहते हो? इतने में बस आ गई। वहाँ हमारे सिवा और कोई मुसाफिर नहीं था। दुर्गादास ने हुक्म के अंदाज में मुझसे कहा, हमारे साथ चलो, अभी मालूम हो जाएगा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए बैठे हुए थे। मैं उसके मुंह की तरफ देखने लगा। मैं समझ गया कि कश्मीरी मुसलमानों के दरिंदा सिफत कातिल दुर्गादास की मौत का वक्त आ गया है। जो आदमी मेरी निगरानी कर रहा था उसने दुर्गादास को बताया कि मैं खुफिया पुलिस का आदमी हूँ। दुर्गादास के बॉडीगार्ड्स ने उसी वक्त मुझे काबू कर लिया और घसीट कर बस में ले गए। बस के दरवाजे वाली पिछली सीट सारी खाली थी। उन्होंने मुझे अपने दरमियान पकड़ कर बिठा लिया। दुर्गादास बिल्कुल मेरे साथ बैठा हुआ था। उसके साथ दो बॉडीगार्ड थे, दूसरी जानिब एक बॉडीगार्ड था और खुफिया पुलिस वाला उसके बाद सीट पर बैठा था। बस चल पड़ी तो मैंने कहा, तुम लोग खामखा मुझे परेशान कर रहे हो, मैं अखबार का आदमी हूँ, तुम्हारी खबर कल अखबार में आ जाएगी। सूबेदार दुर्गादास पर मेरी इस धमकी का असर न हुआ। उसने मेरी पसलियों में कोहनी मारते हुए कहा, आराम से बैठे रहो, थाने चलकर ये भी मालूम हो जाएगा कि तुम किस अखबार के आदमी हो। बस शाम के गहरे होते हुए अंधेरे में सड़क पर चली जा रही थी। मैं एक सेकंड भी जाया नहीं कर सकता था। मैंने सूबेदार दुर्गादास को हलाक करके बस से फरार होने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। मुश्किल ये आन पड़ी थी कि मेरा मुकाबला ज्यादा आदमियों से था। तीन उसके बॉडीगार्ड्स थे जिनके पास जरूर पिस्तौल होंगे, एक खुफिया पुलिस वाला था और एक खुद सूबेदार दुर्गादास था जो फौज का तरबियत याफ्ता फौजी था। इसके बावजूद मुझे यकीन था कि पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले पहले मैं इन लोगों के चुंगल से निकलने में कामयाब हो जाऊंगा और कश्मीरी मुसलमानों के कातिल से भी बेगुनाह कश्मीरियों का खून का बदला लूंगा। मगर मुझे जो कुछ भी करना था जल्दी करना था। इस इलाके का पुलिस स्टेशन किसी भी वक्त आ सकता था। एक बॉडीगार्ड ने मेरा दायां बाजू पकड़ रखा था। मैंने उसे कहा कि अब मेरा बाजू पकड़ने की क्या जरूरत है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया। दुर्गादास ने मुझे बेरहम गहरी नजरों से देखा और कहा कि मुझे तुम पाकिस्तानी जासूस लगते हो, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने इस दौरान अपना सीधा हाथ पतलून की जेब में डाल लिया और हलाकत खेज जहरीला बॉल पॉइंट मेरी गिरफ्त में था। दुर्गादास ने एक और हुक्म दिया, तुम्हारी जेब में क्या है बाहर निकालो। बॉडीगार्ड मेरी हर हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए थे। मैंने जेब से बॉल पॉइंट पेंसिल निकाल कर उन्हें दिखाया, ये बॉल पॉइंट है, मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है, मैं अखबार नवीस हूँ, कोई आतंकवादी नहीं। उसने कहा, मुझे दिखाओ। दुर्गादास ने बॉल पॉइंट लेकर उसे ऊपर नीचे गौर से देखा। मैंने उसके हाथ से पेंसिल पकड़ ली और कहा, कलम अखबार नवीस का सबसे बड़ा हथियार होता है, ये आप मुझे दे दें। उस वक्त कोई बस स्टॉप आ रहा था, बस की रफ्तार हल्की हो रही थी। मैंने जो कुछ करना था उस पर अमल करने का वक्त आ गया था। मुझे फौरन कमांडो अटैक करना था। अब मुझे या तो अपना टारगेट मारना था और या टारगेट मारने के बाद खुद भी मरना था। बॉल पॉइंट पेंसिल मेरे सीधे हाथ में थी, मैंने हाथ बगलों में दे दिए। इस तरह मेरे सीधे हाथ में पकड़ी हुई बॉल पॉइंट पेंसिल की नोक मेरे बाएं जाने बैठे हुए सूबेदार दुर्गादास की पसलियों के करीब थी। सबसे पहले मुझे कश्मीरी मुसलमानों के इस कातिल को ही हलाक करना था। मैं अच्छी तरह जानता था कि बॉल पॉइंट की खुफिया ट्यूब में छोटी छोटी सुइयां मैगजीन की तरह एक दूसरे के आगे पीछे लगी हुई हैं। वो दुनिया के सबसे ज्यादा हलाकत खेज जहर में भुजी हुई हैं। और बटन दबाते ही सुई बॉल पॉइंट से गोली की तरह फायर होकर सूबेदार दुर्गादास की पसलियों में उतर जाएगी और उसकी उसी वक्त मौत वाकई हो जाएगी। जैसे ही बस अपने स्टॉप पर एक धचके से रुकी, मैंने बॉल पॉइंट का बटन दबा दिया। उसमें से सुई फायर होकर दुर्गादास की पसलियों में उतर चुकी थी, क्योंकि उसके फौरन बाद दुर्गादास आगे को गिर पड़ा। सब यही समझे कि वो बस के धचके से तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और गिर पड़ा है। फौरन बॉडीगार्ड उसे उठाने के लिए झुका। बॉल पॉइंट मेरे हाथ में था। मैंने भी ये जाहिर किया जैसे मैं अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और एक तरफ को लुढ़क गया। उसके साथ ही मैंने अपनी दाएं जानिब वाले बॉडीगार्ड पर दूसरा फायर किया। इस बॉल पॉइंट से 15-20 फुट के फासले तक फायर हो सकता था। दूसरा बॉडीगार्ड भी मुंह के बल गिरा तो वहां अफरा तफरी मच गई। मैं भी दुर्गादास को संभालने लगा। तीसरे बॉडीगार्ड ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे खींचा और जेब से पिस्तौल निकाल लिया। इस दौरान ये मालूम हो चुका था कि सूबेदार मर गया है। जैसे ही पहले बॉडीगार्ड ने चिल्लाकर कहा, सूबेदार मर गया है, मैंने तीसरे बॉडीगार्ड पर फायर कर दिया। खुदा जाने साइनाइड जहर किसने इजाद किया था। मैं आज भी हैरान हूँ कि जहरीली सुई जिस्म के अंदर जाते ही आदमी किस तरह कटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ता है। तीसरे बॉडीगार्ड के गिरते ही मैंने बस में से बाहर छलांग लगाई। सिर्फ वो बॉडीगार्ड जो सबसे पहले दुर्गादास को उठाने के लिए झुका था और खुफिया पुलिस वाला आदमी ही जिंदा बचे थे। मैं अंधेरे में फुटपाथ पर भागा। पीछे से मुझ पर पिस्तौल का फायर हुआ। उसके साथ ही वहाँ पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। सड़क पर बत्तियां रोशन थीं जिसकी वजह से मैं दौड़ते हुए नजर आ रहा था। पीछे से एक और फायर हुआ। गोली तेज सीटी की आवाज के साथ मेरे कान के करीब से गुजर गई। अब रोशनी में दौड़ना अपनी मौत को आवाज देना था। मेरी एक जानिब कुशादा सड़क थी जिस पर ट्रैफिक जारी थी, दूसरी जानिब दरख्त और झाड़ियां थी। मैं फुटपाथ पर से झाड़ियों में कूद गया। गिरते ही उठा और जिधर मेरा मुंह था उसी
दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। झाड़ियाँ, दरख्त, अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा। पीछे पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस, पकड़ लो, कातिल है, पकड़ो। ये सब कुछ देखता और सुनता मैं दौड़ता जा रहा था। आगे फिर झाड़ियाँ आ गईं। मैं उनमें घुसकर दूसरी तरफ एक छोटी सड़क पर निकल आया। मुझे दूर नजदीक मकानों की रोशनियाँ नजर आईं। मेरे पीछे शोर कुछ दूर हो गया था, मगर खतरा बराबर मेरे सर पर मंडला रहा था। हवाई फायर हुए और आवाजें एक बार फिर मेरे करीब आने लगीं। मैंने अपने हवास दुरुस्त करते हुए सड़क को गौर से देखा। मैंने फौरन उस सड़क को पहचान लिया। ये वही सड़क थी जिस पर ओमा कुमारी के बाप पंकज बाबू का घर था। लोगों की आवाजें बहुत करीब थीं। मैं सड़क के किनारे किनारे अंधेरे में तेज तेज चलने लगा। पंकज बाबू का घर मैंने पहचान लिया था। मैं फौरन मकान के छोटे से अहाते में घुस गया। घबराहट में लोगों के पास जाने से उन्हें शक भी पड़ सकता था और लोग मुझे तलाश करते इस मकान में भी आ सकते थे। पंकज बाबू के मकान के बरामदे की बत्तियां जल रही थीं। मैं अंधेरे में नारियल के दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया, इस ख्याल से कि मेरे पीछे जो लोग लगे हुए हैं, अगर वो मेरी तलाश में पंकज बाबू के मकान में आए तो मैं मौका पाकर बाहर ही बाहर फरार हो जाऊं। इस दौरान मैंने गहरे गहरे सांस लेने शुरू कर दिए ताकि मेरा सांस नॉर्मल हो जाए और अगर मुझे घर में दाखिल होना पड़े तो किसी को मेरा सांस फूला हुआ ना दिखे। पंकज बाबू के मकान के आगे जो कच्ची सड़क गुजरती थी उस पर काफी दूर तक खंभे लगे हुए थे और सड़क वीरान थी। एक मकान में से बंगला म्यूजिक की हल्की आवाज आ रही थी। पंकज बाबू के घर में भी खामोशी छाई हुई थी। सड़क पर एक तरफ से लोगों के तेज तेज बंगला और उर्दू में बातें करने की आवाजें आने लगीं। अंधेरे में दरख्त के पीछे और सिमट गया। अहाते के 3 फुट ऊंची दीवार के ऊपर सामने वाले मकानों की मध्यम रोशनी में सड़क पर आता जाता आदमी मुझे नजर आ सकता था। आवाजें और करीब आती गईं। किसी ने उर्दू में कहा, वो यहीं कहीं छुपा होगा। फिर किसी ने ऊंची आवाज में बंगला जबान में कुछ कहा। मैंने आवाज पहचान ली, ये सूबेदार दुर्गादास के एक बॉडीगार्ड की आवाज थी। किसी ने कहा, हमने सारा इलाका घेरे में ले लिया है, पुलिस गार्ड पहुंच रही है। अब मेरा वहां से निकलकर किसी तरफ भागना ठीक नहीं था, मैं पकड़ा जा सकता था। अब मैं सिर्फ एक कश्मीरी या इन लोगों के बकौल पाकिस्तानी जासूस ही नहीं था, बल्कि एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी सूबेदार और उसके बॉडीगार्ड का कातिल भी था। कुछ लोग दौड़ते हुए सड़क पर से गुजर गए, पीछे से भी लोगों की आवाजें आ रही थीं। मुझे ये ख्याल था कि बाहर की आवाज सुनकर अगर पंकज बाबू मकान से निकल आया और उसकी नजर मुझ पर पड़ गई तो मामला खराब हो जाएगा। मेरी आफियत इसी में है कि पंकज बाबू के मकान के अंदर चला जाऊं। मेरा सांस बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। मैंने दरख्त के अंधेरे में छुपे अपने सर पर हाथ फेर कर बालों को दुरुस्त किया, दाढ़ी पर भी हाथ फेरा और सड़क पर निगाह डाली। मकान के आगे सड़क खाली थी। लोगों की आवाजें या तो आगे से आ रही थीं और या पीछे से। बड़ा मुनासिब मौका था। खतरा सिर्फ इस बात का था कि अगर बरामदे वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हुआ तो मुझे दस्तक देकर दरवाजा खुलने का इंतजार करना पड़ेगा, जो मेरे लिए इंतहाई मोहलक साबित हो सकता था। लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने यही सोचा कि दरवाजे पर दस्तक देकर दौड़कर दरख्त के पीछे आकर छुप जाऊंगा और जब अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा तो अंधेरे में से निकलकर सामने आ जाऊंगा। ये धड़का भी लगा था कि पुलिस गार्ड भी पहुंचने वाली होगी और जो लोग उस सड़क पर आगे पीछे मौजूद हैं उनमें से कोई अचानक सामने ना आ जाए। इन तमाम खतरात के बावजूद मैं दरख्त के पीछे से उठकर बरामदे में आया और आते ही सबसे पहले बंद दरवाजे को अंदर धकेला। मेरी खुशकिस्मती थी कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। दरवाजा खुल गया। मैंने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में बत्ती जल रही थी। जिस पलंग पर मैं पंकज बाबू की बेटी ओमा कुमारी को छोड़कर गया था वो पलंग खाली था। कमरे में कोई भी नहीं था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद ओमा कुमारी सेहतयाब हो गई है। मैंने बड़ी पुरसुकून आवाज में कहा, पंकज बाबू। साथ वाले कमरे के दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। पर्दा एक तरफ हटा और ओमा कुमारी अपने बालों में कंघी करती नमूदार हुई। मुझे देखते ही वो एक लम्हे के लिए हैरान हुई और फिर अकीदत से नमस्कार किया। उसे देखते ही मैं बोला कि भगवान की कृपा है कि तुम सेहतयाब हो गईं। मुझे एक लम्हा हैरानी से देखने के बाद वो बोली, क्या आप ही वो ऋषि जी हैं जो आज सुबह मेरे घर आए थे? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे। उसने हाथ जोड़कर अकीदत से नमस्कार किया और कुर्सी पर से तौलिया उठाते हुए बोली, महाराज आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं सारी जिंदगी आपकी सौभागी रहूंगी। आप बैठिए, बाबूजी मेरे लिए कॉफी का टिन लेने गए हैं। माताजी रसोई में हैं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। ओमा कुमारी ने कंघी कारनेस पर रख कर सर को साड़ी के पल्लू से ढांपा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे इंग्लिश कॉफी बहुत पसंद है। नौकर घर पर नहीं था, पिताजी खुद लेने गए हैं। आप बैठिए, मैं माताजी को बुलाती हूँ। इस दौरान मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरे लिए अब इस इलाके में सिर्फ यही एक घर था जहाँ मुझे पनाह मिल सकती थी, लेकिन इसके वास्ते एक खास हिकमत अमली की जरूरत थी जो उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी। मैंने ओमा कुमारी को रोकते हुए कहा, नहीं ओमा जी, माता जी को ना बुलाओ, जहाँ किसी को सिवाय तुम्हारे नहीं आना चाहिए। शुभ शगुन है कि घर में आते ही मुझे तुम मिल गई हो। अब तुम्हारी रही सही बीमारी भी खत्म हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारा जायचा भी बनाया था। मैंने देखा है कि तुम्हारे गृह पर मनहूस साया पड़ने वाला है। मैं भाग कर तुम्हारे घर आ गया।
इस वक्त मुझे एक अलग कमरे की जरूरत है जहाँ बैठकर मैं ऐसे मंत्रों का जाप करूँ कि तुम्हारे ऊपर से इस मनहूस साए को हमेशा के लिए दूर कर दूँ। लेकिन इसकी शर्त यह है कि तुम्हारे सिवा इस घर में कोई दूसरा ना तो मेरी शक्ल देखे और ना कम से कम आधी रात तक किसी को मालूम हो कि मैं इस घर में खुफिया मंत्रों का जाप कर रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता और नौकरों को भी पता ना चले कि मैं इस घर में किस जगह समाधि लगा कर बैठा हूँ। ओमा कुमारी मेरी पहले ही जबरदस्त अकीदतमंद हो गई थी। अब उसने सुना कि मैं उसकी बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए कुछ देर के वास्ते रूपोशी की हालत में मंत्रों का जाप करने वाला हूँ, तो वो जल्दी से मुझे मकान के एक स्टोर रूम में ले गई। इस कमरे में अलग-अलग चीजें पड़ी थी। एक जगह मैंने वहीं से दरी उठाकर बिछाई और कहा, बस ओमा जी अब तुम जाओ और खबरदार किसी को कानों कान खबर ना हो कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ। वो बोली, महाराज आप फिक्र न करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब वो जाने लगी तो मैंने कहा कि अगर मुझे जानने की जरूरत पड़ी तो सुबह होते ही खामोशी से चला जाऊंगा, तुम बाहर से ताला कुंडी ना लगाना। अच्छा महाराज, वो बोली और दरवाजा बंद करके चली गई। मेरे कान बाहर घर की आवाजों पर लगे हुए थे। मुझे खतरा था कि अभी बाहर से पुलिस दरवाजा खटखटाएगी और मेरे बारे में पूछेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।